नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नई स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि यहाँ पर चंबल क्षेत्र के लिए एक और नई सेवा देने के लिए हाजिर होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण ट्रेन भी हो सकती है, क्योंकि चंबल क्षेत्र से जो है यहाँ पर अहमदाबाद, गुजरात या कहीं और अगर जाना हो, जैसे यूपी हो गया, बिहार तक हो गया, नेपाल बॉर्डर तक हो गया, तो वहाँ तक इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो चलिए, भारतीय रेलवे ने आखिर इस ट्रेन को कब से चलाने का निर्णय लिया है, कितने डब्बे होने वाले हैं और क्या मार्ग होने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो में अभी इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जानकारी चलिए दूसरों तक आप लोग ज़रूर से शेयर करके पहुंचाइएगा। सबसे पहले इस गाड़ी का जो नाम है यहाँ पर होने वाला है उधना बरौनी स्पेशल, यानी कि उधना पड़ता है गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सूरत का रेलवे स्टेशन है उधना। तो यानी कि सूरत से लेकर के बरौनी के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चलाने की यहाँ पर योजना पश्चिम रेलवे ने बनाई है। इसका गाड़ी नंबर है 09067। आप लोग इसको वेयर इज़ माई ट्रेन में या आप जो भी यूज़ करते हो रेलवे का ऐप, उसमें डाल करके देख लीजिए 09067, ठीक है, और उसमें ये गाड़ी आ जाएगी। ये गाड़ी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, यानी कि आज इसका पहला डिपार्चर हो गया है। जी हाँ, अब कहाँ से हुआ है आपको बताता हूँ, आज इसका पहला रन शुरू हो गया है। गाड़ी आज सुबह, यानी कि आज तारीख है 11 अक्टूबर, तो यहाँ पर उधना से 5:30 बजे इस गाड़ी को निकाला गया, यानी कि सूरत से, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताते चलें तो ये जो गाड़ी है यहाँ पर 10 तारीख को इसको निकाला गया था, हाँ 10 तारीख को, यानी कि कल के दिन इसको जो है यहाँ पर सूरत से निकाला गया था 5:30 बजे सुबह, और 11 अक्टूबर को रात में 10:15 बजे ये गाड़ी पहुंचती है बिहार में बरौनी में, यानी कि कुल मिलाकर के 40 घंटा 45 मिनट का सफ़र तय करके, वो भी 29 हॉल्ट में यहाँ पर स्टॉपेज लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो गाड़ी है यहाँ पर किस किस स्टेशन पर रुक कर जाएगी। सबसे पहले उधना से शुरू होगी, सूरत रुकेगी, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, ब्यारा, राजगढ़, रुठियाई और गुना, शिवपुरी, ग्वालियर और सोनी, और भिंड में भी स्टॉपेज है, और गोविंदपुरी और प्रयागराज, और इसके साथ में यहाँ पर बनारस और वाराणसी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, और इसके आगे जाने वाली है बरौनी तक। गाड़ी में अगर हम बात करें कोच कंपोजिशन के बारे में, तो LHB रैक होने वाला है, यानी कि रैक काफ़ी शानदार है, और इसी के साथ में एक SLR का कोच और 2 सेकंड AC, 8 थर्ड AC, 8 स्लीपर, 2 जनरल के कोच, 1 EOG रहने वाला है। और इसी के साथ में गाड़ी का फर्स्ट डिपार्चर 10 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:30 बजे यहाँ पर उधना से हो चुका है, और लास्ट जो इसका अराइवल है वो यहाँ पर बरौनी में किया जाएगा 29 नवंबर तक, यानी कि कुल मिलाकर के 1 महीने से भी ज़्यादा इसका जो है यहाँ पर ट्रिप सेट की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाड़ी यहाँ पर चलना शुरू हो गई है, तो आप लोग भी अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर से फैला दीजिए, जिससे जिसको अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा या गुजरात में कहीं जाना हो, या जिसको यूपी बिहार में जाना हो, तो वो काफ़ी आसानी से जा सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।